मैनूपुर की रहने वाली बीएससी की छात्रा ने आर्मी के जवानों के लिए कड़ी मेहनत कर एक जैकेट बनाया है। इस जैकेट की खासियत यह है कि यह आर्मी में इस्तेमाल की जाने वाली जैकेट से आधे से भी कम वजन की है और लागत भी बहुत कम है। जैकेट बनाने वाली छात्रा साहिबा ने बताया है कि काफी मेहनत और रिसर्च के बाद उन्होंने पता लगाया है कि इंडियन आर्मी को 1,84,000 जैकेट की जरूरत है। उसके बाद साहिबा ने ठान लिया कि वे जवानों के लिए कम बजट और कम वजन की जैकेटें बनाएंगी। आपको बता दें, साहिबा ने कुछ दिन पहले ही भोपाल में अपने प्रोजेक्ट को विज्ञान प्रदर्शनी में लगाया, जहां उन्हें मेरिट सर्टिफिकेट भी मिला है। बुलेट प्रूफ जैकेट की टेस्टिंग 9 mm की गन से की जा चुकी है, जो कि सही पाई गई है। मैंने 3 से 4 साल पहले न्यूज़पेपर में पढ़ा था एक्चुअली कि इंडियन गवर्नमेंट को 1,84,000 जैकेट की बहुत ज़रूरत थी उस टाइम तो, और हमारी गवर्नमेंट इतना कॉस्टली होने पर सारे आर्मीज को प्रोवाइड नहीं करा पा रही है। तो मैंने इस पर रिसर्च स्टार्ट की और एक तो दूसरे के माइनस पॉइंट ये भी थी कि ये काफ़ी वेटेड हुआ करते थे, तो इस पर मैंने रिसर्च किया, काफ़ी रिसर्च किया, 4 सालों से रिसर्च किया इस पर, और इस पर काफ़ी निगेटिविटी भी मुझे मिली और अब जाके ये फर्स्ट स्टेज क्रॉस हो चुका है और सक्सेस हो रहा है। रिसर्च करने में मुझे वही 3 से 4 साल लगा और जैकेट तैयार करने में तो 8 घंटे लगे। वैसे उसको क्या है कि वो जिज्ञासु तो थी बचपन से, मतलब 3-4 साल पहले से जिज्ञासा, मतलब जानकार तो थी, पेपर पर पढ़ी, पढ़ते पढ़ते उसको पता चला कि जरूरत है, फिर मुझसे कुछ मैं मुझे ऐसे से करना है। फिर तो ताम्रकार जी हैं, उनके मतलब कुछ सम्मान मिलने लगा धीरे धीरे, कुछ बढ़ा, कुछ कलेक्टर अपर कलेक्टर सहयोग के थे, उन्होंने सहयोग कराया और यही सब चीज़ है।